नमस्कार, Clipper28 डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रेश चौधरी। अजीत जोगी की जाति मामले में फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। आज जोगी की जाति मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसले को चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की डबल बेंच ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इससे पहले आज विरोधियों की दलील पर अजीत जोगी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर कोई उंगली या हाथ उठाता है तो उसे काट डालना चाहिए, यह धमकी बिहार में सत्तासीन बीजेपी के शीर्ष नेता नित्यानंद राय ने दी है। यही नहीं, इस बयान की आलोचना होने पर भी उन्होंने इससे पीछे हटने की जगह सिर्फ यह कह दिया कि यह मुहावरा इस्तेमाल किया गया था। बिहार से सांसद नित्यानंद राय सोमवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में ओबीसी समुदाय को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने के दौरान यह बात कही। भारत के दलवीर भंडारी आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए चुन लिए गए हैं। ब्रिटेन ने अपने उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड को इस मुकाबले से हटाकर अपने कदम वापस खींच लिए हैं। ICJ की आखिरी सीट के लिए मतदान कल रात को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आयोजित किया गया। वर्ष 1945 में स्थापित ICJ में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इसमें ब्रिटिश न्यायाधीश नहीं होगा। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में 3 तलाक खत्म करने के लिए विधेयक ला सकती है, और इसके लिए सरकार ने एक मंत्री समूह भी बनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक को असंवैधानिक माना है और कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 तलाक के मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले CD कांड मामले की जांच CBI ने शुरू कर दी है। 4 सदस्यीय जांच दल ने रायपुर SP और IG से गोपनीय मुलाकात की है। वहीं हाईकोर्ट ने विनोद वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। 12 दिसंबर को याचिका पर अंतिम सुनवाई होनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक करने और अपराधियों पर लगाम लगाने की कायावाद में जुट गई है। फिलहाल 12 PCR 12 बाइक पर पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकली है। फाफाडी, जयस्तंभ, कालीबाड़ी, आमापारा, शास्त्री चौक पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में 30 महिला पुलिस भी लगाए गए हैं। ठगी, चेन स्नेचिंग, लूट जैसी वारदातों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। 70 से ज्यादा पुलिस जवान बदमाशों की धरपकड़ में निकले हैं। छत्तीसगढ़ में हर साल करोड़ों पौधे रोपे जाने के बाद भी 15 साल में जंगल कम हो गए हैं। इस मामले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, और साथ ही शासन, वन विभाग और वन विकास निगम से 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता नितिन सिंह भी ने हाईकोर्ट को बताया कि हरिहर योजना 2017 के तहत 8.2 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। साल 2016 में 7.60 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। हरिहर 2015 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लगातार पौधारोपण के बाद भी 2001 से 2015 तक लगभग 3% यानी करीब 37,000 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हो गया है। इसका कारण वृक्षारोपण गलत समय गलत तरीके से होना है और पौधों की देखरेख नहीं होना है। जनहित याचिका में इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। सलमान खान और कटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के पहले गाने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत हफ्ते भर से फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस गाने में सलमान और कटरीना मस्त मौला अंदाज में नजर आ रहे हैं। कटरीना अपनी अदाओं का जलवा भी खेल रही है, जबकि सलमान अपना ट्रसन दिखा रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल और शेखर की इस गाने की लिरिक्स इशाद कामिल ने लिखी है, जबकि आवाज विशाल ददलानी और नेहा भासिन की है। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचिंग भूटिया के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा छोड़कर वापस आए जम्मू कश्मीर के युवा माजिद खान के सपने को पूरा करने के लिए अपने अकादमी में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। माजिद को घाटी के उदयमान फुटबॉलरों में से एक माना जाता है, जो कथित रूप से आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ गया है। हालांकि इस युवा गोलकीपर ने अभिभावकों के भावुक अपील पर वापस लौटना सही समझा। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन करें www.clipper28.com। नमस्कार।